हे गाइस, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक अपडेट है कि आज जो है व्लॉग नहीं आ पाएगा। बिकॉज गाइस, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो बहुत डिस्टर्ब कर रही है माइंड को। तबीयत भी बहुत डाउन हो गई। जो तबीयत ख़राब उमकी हुई थी वो मेरी सेम हो चुकी है। गले में थूक निकलने में गाइस दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट इतना दर्द हो गया गले में कि मैं थूक तक नहीं निकल पा रहा हूँ अपने। सर में दर्द है, आंखों में जलन हो गई है, ठीक है, पूरी बॉडी गर्म हो गई है। गाइज, कल भी परसों भी हमने बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं जो कि रखे हैं मेरे पास, बट मैं उनको एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आंखों में जलन हो रही है। ये व्लॉग तो मैं सीधे अपलोड कर दूंगा। ये एक मैसेज है, मैं इतना बैठ गया हूँ, इतना बोल रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ी बात है, वरना मैं पर लेटा पड़ा हूँ। गाइज, ये अपना कंबल है, इतनी गर्मी हो रही है, बट तब भी भाई मैं कंबल उड़ रहा हूँ, कंबल उड़ के सो रहा हूँ बिकॉज ठंड लग रही है मेरे को बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या हो गया है। एंड गाइज, साथ में कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो बहुत नेगेटिव हो रही है। एंड गाइज, अब उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। गाइज, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं एंड जो कमेंट्स आ रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है ना गाइज, और वो जो बंदा कर रहा है वो अब उसके अगेंस्ट जो होने वाला है वो आपको अगले व्लॉग में दिख जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। एंड गाइज, जो ये कर रहा है उसके अगेंस्ट भी जो होगा वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। कल तक गाइज अपनी तबीयत जो थी वो ठीक थी, बट हल्के हल्के कल सिम्टम्स हो रहे थे। कल हमने व्लॉग वगैरह करा और रात में फिर भाई हम कहीं गए थे, फिर वहाँ से जब हम आए तो भाई मैं लेट गया, मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। मैं एडिटिंग रात में करता हूँ या सुबह करता हूँ, है ना, और भाई ना मेरे से एडिटिंग हो पाई, ना मेरे से कुछ हो पाया। मैं सुबह सो के उठा 11 बजे और फिर उसके बाद मैं एडिटिंग किया, मैं भाई मैं उठ भी नहीं पा रहा था। अभी बड़ी मुश्किल से उठ के जस्ट मैंने रिकॉर्ड करा है और मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइज, आप लोगों के लिए एक अपडेट वाला वीडियो था। कल से गाइज अगर तबीयत ठीक रही तो आएंगे व्लॉग्स, तो आएंगे भाई, तबीयत ठीक हो या ना हो कल से तो व्लॉग्स आएंगे ही, डेली आएंगे। बट ये एक अपडेट था आपके लिए और बाकी गाइज़ कल मिलते। बाकी अभी करते इस व्लॉग यहीं पे एंड, टिल देन बाय। तो भाई मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ और मैं अभी अभी अपनी शर्ट उतार के जस्ट यहाँ कमरे में आया था और मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पर जो भाई है वो पड़े हुए है बिस्तर में और कंबल डाल के पड़े हुए है, ऊपर पंखा भी बंद कर रखा है और कंबल डाला हुआ है, और ऐसी कुछ हालत हो रही है भाई की यहाँ पे। और देख के साफ पता लग रहा है कि भाई की तबीयत खराब हो चुकी है। और जब मैंने भाई से पूछा कि भाई को क्या हो रहा है तो भाई को सेम वही तकलीफें हो रही हैं जो कि मुझे हो रही थी, जैसे कि खाना नहीं खाया जा रहा है, निगलने में दिक्कत है, अपना खुद का थूक निगलने में चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है गले की साइड में थोड़ा ऊपर ऊपर, तो थोड़ा थ्रोट के साइड में लगता है थोड़ा इन्फेक्शन या छाले टाइप के हो गए भाई के मुंह के अंदर, और पूरे बॉडी में कमजोरी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही है और हाथ पैर भारी हो रहे हैं। तो भाई से हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। भाई क्या हो रहा है भाई? बात जितनी करनी थी मैंने कर दी है भाई, मेरे बस की नहीं है। बहुत अजीब सा हो गया, पहली बार मुंह के अंदर, पहली बार हुआ लाइफ में, आज पहली बार। निकलने में दिक्कत हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा? नहीं, कुछ खाया सुबह से? कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, कुछ पिया? पानी भी नहीं पिया जा रहा? तो भाई इतनी गंदी क्रिटिकल ब्रूटल हालत भाई की है, मतलब मेरी तबीयत खराब हुई है, सर में दर्द हुआ है, सब हुआ है, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि थूक नहीं निकल पा रहा मैं अपना। तो भाई यही सेम दिक्कत मुझे हो रही थी, भाई को भी मुझसे ये सेम दिक्कत ट्रांसमिट हो गई है, सर चुकी है, ठीक है। और मैं तो अभी फर्स्ट क्लास रिकवर हो गया हूँ, लगभग मुझे 3-4, 4-5 दिन लगे रिकवर होने में। तेरा ठीक हो गया? हाँ, मेरा प्रॉपर ठीक हो गया, क्योंकि मैंने दवाइयां तो मैंने इतनी खाई है, दबा के खाई है मैंने, ठीक है, तब जाके मैं 3-4-5 दिन में ठीक हुआ हूँ। मैंने तो एक दवाई नहीं खाई है। और भाई ने अभी तक एक दवाई नहीं खाई, मैंने भी 2 दिन तक बिल्कुल दवाई नहीं खाई थी, उसके बाद जब मुझे लगा कि अभी ठीक नहीं हो सकता तो तब मैंने दवाई खाई है। बट भाई की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई भाई को भी दवाई खाने की जरूरत बहुत जल्दी पड़ने वाली है, बट होप फॉर द बेस्ट, हम आशा करते हैं कि भाई बिना दवाई के ठीक हो जाए, बिकॉज दवाई के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तो यार मुझे यहाँ पर पसीने जैसे आने को हो रहा है, पसीना आ रहा है, और भाई इतनी गर्मी में कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं तो इसका मतलब भाई का तापमान भी हिला हुआ है बॉडी का, ठीक है, तो काफी देख सकते हो आप बहुत ज्यादा हालत भाई गंभीर है। सेम वही हालत है, मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ जो हुआ था सेम भाई के साथ वही हो रहा है ना। बट अभी मैं रिकवर हुआ हूँ और जैसे ही मैं रिकवर हुआ हूँ तो भाई बिस्तर में पड़ गए, और क्या पता भाई के बाद किसी और को भी घर में सर जाए तो कोई और भी बिस्तर पकड़ के बैठ जाए फिर, है ना। बट कोई बात नहीं गाइज, आज हमारा कहीं का प्लान भी था तो क्या पता भाई वहाँ पे ना आ पाए, कोई बात नहीं, होते रहता है, मौसम भी चेंज हो रहा है तो क्या पता ये मौसम के चेंज होने की वजह से ही हो रहा हो, बट कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, आशा करते हैं कि भाई ठीक हो जाए और प्रे करते हैं, आप लोग भी थोड़ा प्रे करना कि भाई जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलो भाई, भाई को आराम करने देते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।